बारिश के समय कई सड़कें खराब होती है, परंतु जिले से लगे अरिकटंकी मार्ग से पहले ही खस्ता हाल व जर्जर अवस्था में है। रोड पर बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण, उनमें पानी के भराव के कारण राहगीर अंदाज नहीं लगा पाते हैं कि कितने गहरे में हैं और आए दिन हादसे हो रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन मुख होकर तमाशबीन बना हुआ है और इन सड़क हादसों के बाद भी सड़क की हालत जस की तस बनी हुई है। सिवनी से अरिकटंकी मार्ग पर सड़क है या गड्ढों पर सड़क, समझ नहीं आता। यहाँ के स्थानीय लोगों ने कई बार विभिन्न साधनों के माध्यम से शासन प्रशासन से सुधार कार्य के लिए गुहार लगाई, परंतु शासन प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। यदि शासन प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो ग्रामीणों द्वारा रोड सुधार कार्य के लिए जन आंदोलन करने की बात कही है। नाम अब्दुल लतीफ खान, जो ग्राम अरी से हूं मैं। क्या हो रहा है, आपको क्या परेशानी हो रही है इन गड्ढों का? इन गड्ढों के कारण सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आए दिन यहाँ हादसे हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। कल हाल ही में जो एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें जो है एक व्यक्ति की जान चली गई। अच्छा, तो ये आए दिन बड़ी समस्या बनते चले जा रही है। ये जो गड्ढे दिख रहे हैं इनके वजह से बहुत सारी जो है परेशानियाँ फेस करना पड़ रहा है। क्या चाहते हैं आप? चाहते ये हैं कि कम से कम इस रोड का सुधार हो जाए। अच्छा, जिससे हादसे रुक जाएंगी, घटनाएँ रुक जाएंगी, ग्रामवासियों को परेशानी उठाना नहीं पड़ेगा। नाम अमित राय है, ग्राम अरी का निवासी हूँ। रेंज ऑफिस के सामने मेरा घर, ये घर के सामने और पूरे सिवनी से कटंगी तक रोड इतना ख़राब हो गया है कि रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो न जाने कितने लोगों को हम रोज़ अस्पताल पहुँचाते हैं। विशेष तौर से प्रशासन इस पर कहीं ध्यान नहीं दे रहा है, कोई जवाबदारी महसूस नहीं कर रहा कि इसके विषय में बोला जाए या सुधार कार्य किए जाएँ। और हमको ऐसा लगता है कि ऐसा किसी उग्र आंदोलन के बाद ही ये सब चीज़ों पे लोग ध्यान देंगे और रोड सुधारने की तरफ प्रयास करेंगे। आप गड्ढे देखिए पूरे इधर उधर, जहाँ तहाँ आए दिन लोग गिर रहे हैं। और मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस पे कोई कार्रवाई करते हुए सुधार कार्य किए जाएँ, अन्यथा हमें उग्र आंदोलन के लिए तैयार होना पड़ेगा।